आज हम बनाएंगे पराठे के साथ खाने वाली खट्टी मीठी और तीखी टमाटर की चटनी। ये बच्चों से लेकर बड़े सबको ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। सबसे अच्छी बात, इसे एक बार बनाकर आप आराम से 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। टेस्ट के साथ साथ इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 3 से 4 कड़ी पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्च, 1/3 कप के करीब मैंने गुड़ लिया है, 1/2 कप के करीब इमली का पानी, बारीक कटा हुआ धनिया। इन सारी चीज़ों को हमें बारीक कट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर कढ़ाई में 1.5 चमचे के करीब यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जीरा डाला है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है। जीरा यहाँ पर 1 चम्मच के करीब डाला है और इसके बाद जैसे ही जीरा और कड़ी पत्ता हमारा अच्छे से चटकने लगे, उसके बाद हमने इसमें कटा हुआ प्याज डाल दिया है। अब प्याज को हमें इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है वरना इसमें एक कड़वाहट आ जाएगी। तो ये देखिए प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखिए हमें बस इतना ही इसे पकाना है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1/4 स्पून के करीब मैंने हल्दी, 1/2 स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर और यहाँ पर स्वादानुसार नमक लिया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। इसके साथ अब मैं यहाँ पर टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि मसाले आपको पता ही है बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं सूखे मसाले। और यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए अब जो टमाटर हैं उनको मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने होते हैं। बहुत ही सिंपल सी ये चटनी बनकर के हमारी तैयार होती है और टेस्ट में ये बहुत ही बढ़िया होती है। इसके साथ ही अब यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। स्पाइस के लिए सिर्फ हम यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे बच्चे भी इसको आराम से खा सकें, उनको बिल्कुल भी तीखा ना लगे। यहाँ अब ये टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी और इसके साथ अब टमाटर को हम सॉफ्ट होने देंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू हाई रखना है। और इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसके बाद अब हम इसे कवर करते हुए इसे अच्छे से पकने देंगे, जब तक कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। जब भी घर में सब्जी बनाने का मन ना करे तो आप इस तरीके से टमाटर की ये चटनी बना सकते हैं। ये रोटी के साथ, चावल के साथ या प्लेन पराठा किसी के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है। अब हम यहाँ देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें इसे बस इतना ही इसे पकाना है। इसके साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले इमली को भूगो कर रख दिया था और उसका इस तरीके से पल्प निकाल कर अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही अब यहाँ पर मैंने गुड़ को भी इसमें डाल दिया है, जिसकी वजह से हमारी चटनी जो है खट्टी मीठी बनकर के तैयार होगी। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना मैंने माप बताया है उतनी ही आपको चीनी ले ली है। उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन गुड़ अगर है तो वो कोशिश कीजिए आप गुड़ का ही इस्तेमाल कीजिए। इससे हमारी चटनी में कलर बहुत बढ़िया आता है। यहाँ हम देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, चटनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर के बिल्कुल तैयार है। गुड़ भी अच्छे से घुल चुका है, बस अब हमें इसे इतना ही पकाना है। इसके साथ अब हम इसमें धनिया पत्ता डालकर इसे गार्निश करेंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। ये देखिए कितनी आसान सी चटनी और सिर्फ मिनटों में चटनी हमारी बनकर के तैयार भी हो गई है। इसे आप आराम से 3 से 4 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रखिए फ्रिज में। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की टमाटर की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।